नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट के साथ में क्या आज का लेवल देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? रोशनी बरियार। कितना अटेम्प्ट किया? 71। पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था सर, जो आपने पढ़ाया था ना वही पूरा आया, हिंदी में से भी और रीजनिंग में से भी। रीजनिंग में टॉपिक की अगर अपन बात करें तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा मिले? डाइस में से एक आया था और मिरर में से ना तीन आए थे। हाँ, और सर जो आपने कोडिंग डिकोडिंग करवाई थी ना उसमें से पांच क्वेश्चन आए थे। हाँ, पांच क्वेश्चन आए थे। और सेटिंग अरेंजमेंट, हाँ उसमें से छः जने को बिठाना था हाँ सर्कल में, और उसमें से ना तीन आए थे, छः वाले ही आए थे। हाँ तीन आए थे। और अगर बात करें एनालॉगी की अपन, हाँ उसमें से दो क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज तो आए थे सर। मतलब कुल अगर देखें तो आकृति वाले क्वेश्चन कितने थे? आकृति वाले दो ही थे। हाँ वो भी बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल आई थी। मतलब मेरे हिसाब से जो आपने पढ़ाया था ना प्रैक्टिस सेशन में वही आया था, और जो अभी मैराथन ली थी ना वो आया था, और हिंदी में जो सर ने कल मैराथन ली थी ना उसमें से आए थे। सिंपल ही थी हिंदी भी, बहुत सिंपल थी। हिंदी में क्या क्या आ रहा था? सम तद्भव आ गया। हाँ पर्यायवाची एक आया था, और मुहावरे आए थे, और गद्यांश तो पांच आए थे। बस वो फर्स्ट वाला जो 16 का है ना उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, बाकी तो सब सही है। मैथ्स के ऊपर आते हैं। हाँ मैथ्स में सर ना एवरेज वाला जो चैप्टर था ना उसमें ज़्यादा आया था, और प्रॉफिट लॉस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। एडवांस मेंशुरेशन से किससे क्वेश्चन आया था? मेंशुरेशन से आया था, मात्र एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत सिंपल था, पर मेरे को उसका फॉर्मूला याद नहीं था तो मैंने नहीं किया। फॉर्मूला बेस्ट था पूरा। हाँ चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने? एक ही था। एक है। और टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस? टाइम एंड वर्क से था। हाँ और वो रेशो से था, रेशो से तीन क्वेश्चन थे। ट्रेन से कोई क्वेश्चन था? ट्रेन से नहीं था सर, ट्रेन से नहीं था। और शायद सर मतलब 18 के बाद ना मैंने 19 और 20 पढ़ा ही नहीं था, तो हो भी सकता है। मतलब टाइम कम पढ़ा है आपको? हाँ अगर मैं मतलब मैथ्स का पूरे अटेम्प्ट करती तो फिर हिंदी नहीं होता, इसीलिए मैंने नहीं। चलिए ये भी अच्छा रहा कि उधर अपने स्कोर कर लिया। हाँ। और जीके वाले पोर्शन पर अगर आते हैं तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से थे, और करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था। करंट अफेयर कब का था? 2022-23 का था। और जो अभी मैम ने दामनी, अरे वो उन्नति मैम ने जो परसों क्लास ली थी ना उसी में से आया था करंट अफेयर्स। हाँ और जो मतलब कौन सा कथक वत्थक का कुछ पूछा था, केरल और ये उड़ीसा इसका ज़्यादा कुछ आ रहा है, मतलब केरल से कौन सा नृत्य था, और वो बैडमिंटन खेलते ना कौन बैडमिंटन खेलता है उनका पूछा था। किसी खिलाड़ी का नाम दिया होगा? हाँ और सचिन तेंदुलकर का पूछा था, और धोनी का भी पूछा था। मतलब आज क्रिकेट पूरे भुला गया था। हाँ पर वो मतलब ऐसा क्रिकेट का नहीं पूछा था, मतलब कि वो हाँ उनने मतलब अभी कुछ हुआ था ना ये चुनाव हो रहा है ना उसका कुछ पूछा था कि कौन मतलब उसमें बता रहा है, ऐसा करके कुछ पूछा था, तो पता नहीं था तो मैंने तो सचिन तेंदुलकर लगा दिया। चलिए मैम थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैम क्या नाम है आपका? उर्वशी साहू। उर्वशी कितना अटेम्प्ट है आपका? मेरा 79। बढ़िया अटेम्प्ट है आपका। पेपर मतलब बहुत इजी है? यस सर पेपर तो बहुत अच्छा है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो जीके थोड़ा टफ लगा आपको? जीएस थोड़ा कि हाँ पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है जीएस के लिए। अच्छा तो जीएस में क्या क्या ऐसा पूछा है जो दिक्कत आई? जीएस में जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे मुद्रा वाले, और एक सोनल मानसिंह से रिलेटेड था, और अच्छा आज कोई जनगणना वगैरह या कुछ आया? नहीं नहीं वो नहीं आया, पंचवर्षीय से आया था एक क्वेश्चन। हाँ और नृत्य वगैरह कुछ पूछ रहा है? हाँ एक नृत्य आया था वो देवदासी वाला। देवदासी वाला हाँ। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से कुछ आर्टिकल वगैरह? पॉलिटी से नहीं आया, आर्टिकल भी नहीं आया। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? करंट अफेयर में अभी आया था 2024 का वो क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया वो वाला, और 2023 का कौन था ये भी आया था, ये दोनों आए थे बस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है सर? अमित सुरावत। कमल चंद। कितना अटेम्प्ट रहा? 78। 76। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है आप लोगों का, मतलब पेपर इजी है? हाँ इजी। हाँ मतलब टेस्ट टाइम जो आता था ना उससे भी काफ़ी थोड़ा सा इजी था। वो टाइमिंग इशू लगता है। मॉक आप लोगों ने लगाए थे पहले? यस सर। मॉक टेस्ट? हाँ मॉक टेस्ट लगाए हुए। ये बिल्कुल। वहाँ पर स्कोर कितना रहता था? वहाँ पर 120-125। हाँ मेरे भी 126 और 120। सर इजी लेवल रहता है इसका, मतलब पेपर का देखा जाए ना मॉक थोड़ा मॉडरेट रहता है।
हाँ अच्छा ये बताएं सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? टफ तो ऐसा नहीं है सर, सबसे टफ मतलब जो जाल लगा हो। टफ तो ऐसा नहीं बता सकते हैं, जैसे कि क्या है कि जो जीके के दो तीन क्वेश्चन है ना, करंट के दो क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, आइकन पूछ लिया, मतदान का भी क्या हुआ अगस्त में मई में है ना, और एक आध क्वेश्चन वो नेतृत्व से था ब्रह्मोस सेवन से, नेतृत्व किस राज्य से कम ये है, मनरेगा का था कि मनरेगा का कितने दिन की रोजगार गारंटी है, 1100 दिन 90 दिन ऐसा कुछ था। और सर टफ की बात तो ऐसा है कि जिस भी बच्चे को जो सब्जेक्ट कठिन लगता है, वो जो सब्जेक्ट नहीं बनता उसको वो टफ लगेगा। जैसे मैं जीके नहीं करता हूँ तो हल्का समय को जीके टफ लगा था, बाकी जो जीके पढ़ा होगा ना उसको काफ़ी उसको ईजी लगा होगा। सबसे ईजी क्या लगा फिर? मेरे को मैथ और रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग हिंदी तो बिल्कुल ना के बराबर देखो जाना बिल्कुल। हिंदी में अपना 3 से 4 विलोम पूछ लिए थे, फिर एक दो पर्यायवाची शीघ्र का पर्यायवाची पूछ लिया था अविलंब, और लगभग 2 से 3 विलोम थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करे वो भी 2 क्वेश्चन थे, और गद्यांश थोड़ा सा बड़ा था लास्ट में, जो 16 से लगा 20 तक आते ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, काफ़ी बड़ा था कि एक साइड जो अपनी लाइन रहती है वो अलग से भी दे दिया उन्होंने। हाँ उस प्लस पॉइंट रहता थोड़ा कंप्यूटर से माउस से इधर उधर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। हाँ काफ़ी वो थोड़ा बड़ा था, वो टाइम टेकिंग था भाई, बाकी तो नॉर्मल ही था, कुछ खास नहीं था। बढ़िया पेपर बनने रीजनिंग में भी अपना वो सिलोलिज्म वाला एक क्वेश्चन आया, फिर कथन निष्कर्ष का एक आया, उसके बाद वो चक्र वाले आते हैं ना व्रत वाले, 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद फिर दो क्वेश्चन में उसके थे, नॉर्मल थे मतलब एक दो घुमा के उसे गोल चक्कर बनने लायक थी, ओवरऑल खास नहीं था, बाकी बढ़िया था पेपर। मैथ्स के बाद पिछली बार की देखे जाए ना तो इस बार का काफ़ी सरल था, मैथ्स तो सरल था, मैथ में एक सिंपल इंटरेस्ट का था, एक चक्रवर्ती ब्याज का था, उसके बाद अपना लाभ हानि के 2 क्वेश्चन थे, और परसेंटेज का एक था नॉर्मल था, 512 ऐसे कुछ दे दिया था, उसका परसेंट निकालना था, उतना कोई खास नहीं था। उसके बाद कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन हाँ एलसीएम महत्तम स्वर्ण प्रत्यय 31 और 73 का महत्तम स्वर्ण प्रत्यय, तो नहीं हाँ 73 सिर्फ 73 था, तो 1 ही आएगा उसका महत्तम स्वर्ण प्रत्यय, और बस ऐसे नॉर्मल था। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा अभी हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ में बात की पेपर के लेवल के बारे में जाना, तो बच्चों का तो सीधा ये बोलना है कि सर लास्ट ईयर से अगर इस साल को अगर हम सीधे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम एक दो दिन पीछे का कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर से इस साल का अगर आप कंपेयर करने के लिए जाते हो तो पेपर बहुत ईजी आ रहा है कंपेयर अगर कर रहे हैं। मैथ्स बहुत ईजी आ रहा है, वही जो पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसी टॉपिक से आ रहे हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम ज़्यादा थोड़े से हो रहे हैं। जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मिरर से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आकृति वाले कुल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन हैं, और अगर चले एनालॉगी पर हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाइस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जीके वाले पोर्शन पर अगर चलते हैं तो हिस्ट्री से कुछ स्टूडेंट ने बोला 1 क्वेश्चन है, कुछ ने बोला 1 भी नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं कैसा हो सकता है। पॉलिटी से भी एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर 23-24 का करंट अफेयर पूछ रहा है, ज़्यादा पुराना वो पूछ नहीं रहा है, 23 वाला आप करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। इसके बाद हिंदी में अगर बात करें तो गद्यांश जो है वही बिल्कुल एकदम ईजी लेवल का आ रहा है, तत्सम से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुहावरे क्वेश्चन बन रहे हैं, विलियम पर्यावरण लगभग 4-5 दोनों को मिलाकर 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर अभी तक जैसे स्टार्टिंग से चलता आ रहा है अभी तक बहुत ईजी देखने को मिला हुआ है। चलिए तो बस इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।